प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक सक्रिय साधन सहकारी समिति को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे ताकि वह व्यवसाय कर सके। इसके साथ ही बैंक में जमा पूंजी का 5% धन निकासी की व्यवस्था भी की जाएगी। उक्त घोषणा प्रदेश के सहकारिता राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी ने किया। वे गोरखपुर में सहकारिता संचालन मंडल के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को सम्मानित करने के बाद समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सहकारिता के क्षेत्र में सेवा की अपार संभावनाएं हैं। सभी प्रतिनिधिगण प्रयास करें कि सहकारिता के माध्यम से गांव गरीब किसान को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाए। उन्होंने कहा कि गुजरात राज्य के विकास में सहकारिता का विशेष योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि ईमानदारी से प्रयास करने पर हम सभी के जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। उन्होंने सभी को आश्वस्त किया है कि जिला सहकारी बैंक या भूमि विकास बैंक में भ्रष्टाचार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा तथा जेल भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा ग्राम स्वराज अभियान के तहत अनुसूचित जाति बाहुल्य गांव में तमाम योजनाओं का लाभ गरीब जनता को पहुंचाया गया है। मंत्री विधायक या जनप्रतिनिधियों ने गांव में जाकर लोगों का दुख दर्द जाना है। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास नारे के साथ बिना भेदभाव का सभी को लाभ पहुंचाने का उद्देश्य है। इसमें सभी के सक्रिय सहयोग की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि धान गेहूं का उचित मूल्य किसानों को दिलाने के लिए सर्वाधिक क्रय केंद्र खोले गए हैं। पिछले 70 सालों में जिस वनटांगिया लोगों के लिए किसी सरकार ने कोई कार्य नहीं किया, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक साल में 27 गांवों को राजस्व गांव घोषित कर सभी योजनाओं का लाभ दिलाया जा रहा है। इस अवसर पर उन्होंने जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष विजय प्रताप सिंह, जिला सहकारी संघ के अध्यक्ष महंत सिंह, केंद्रीय उपभोक्ता संघ के अध्यक्ष निरंकार त्रिपाठी, उपाध्यक्ष कौशल किशोर सिंह, अशुमाती धर दुबे, डायरेक्टर मार्कंडेय राय, सुरसरी मिश्र, प्रभाकर दुबे, हरिकेश सिंह, जितेंद्र सिंह, नरसिंह चौरसिया, शैलेश तिवारी तथा साधन सहकारी समिति के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। समारोह में विधायक महेंद्र पाल सिंह, विपिन सिंह, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, जनार्दन तिवारी ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर राहुल श्रीवास्तव, डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा, राधेश्याम सिंह, जयप्रकाश निषाद, रामजी आवन मौर्य, रामपाल सिंह, बैचन राम, विजय नारायण दुबे सहित नव निर्वाचित पदाधिकारी गण उपस्थित रहे। माननीय श्री उपेंद्र तिवारी जी का हमारे और आपके बीच में आगमन हो गया। मैं आज के अपने विधायक द्वय सहित सभी लोग इसके बाद मुख्य अतिथि जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। माननीय मंत्री जी अपने क्षेत्रीय अध्यक्ष जी का भी स्वागत करना चाहते हैं। माननीय मंत्री जी ने अपने क्षेत्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत किया और माननीय अध्यक्ष जी ने भी माननीय मंत्री जी का स्वागत किया। उस विधेयक के माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। माननीय मंत्री जी स्वागत करेंगे। इसके बाद हमारे पार्टी के नेता निषाद जी से अनुरोध करता हूँ कि माननीय मंत्री जी को एक, मैं उनसे भी अनुरोध करता हूँ कि माननीय मंत्री जी को, राधेश्याम सिंह जी जिनके नेतृत्व में पूरी सहकारिता आज सहकारिता प्रकोष्ठ के जिले के संयोजक भी हैं और जिला सहकारी बैंक के नव निर्वाचित डायरेक्टर हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वह हमें, जो हमारे बैंक के डायरेक्टर हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करता हूं कि वह हमें और उनका अंग वस्त्र देकर स्वागत करेंगे। नरसिंह चौरसिया और अभी विधिक क्षेत्र से वो डायरेक्टर चुने गए हैं, उनसे भी अनुरोध है कि एक पार्टी विशेष का आधिपत्य रहा है, सब लोग जानते होंगे, और उन्हीं ने ही सहकारिता विभाग को बर्बाद भी किया। इन 15 सालों में जिला सहकारी बैंकों की जो स्थिति खराब हुई, एक पार्टी विशेष का ही रोल इसमें रहा है। जो जिला सहकारी बैंक किसानों के सुख दुख में एक साथी की भूमिका निभाता था, पूर्ववर्ती सरकार के, अब नाम नहीं लेंगे कि आप, लेकिन आप लोग सब
सब लोग जानते होंगे, पूर्ववर्ती सरकार ने जिला सहकारी बैंक की ऐसी की तैसी कर दी। जितने भी खाता धारक थे पैसे पैसे के लिए मोहताज हो गए। सोसाइटी जहां से किसानों को खाद बीज मिलता था सारी सोसाइटियां बैठ गई थी। लेकिन जब से प्रदेश में पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हमारे माननीय उपेंद्र तिवारी जी मंत्री हुए हैं, निश्चित है साथियों सहकारिता के क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार हुआ है। आगे पूज्य महाराज जी के ही कार्यकाल में आपको महसूस होगा, जिस सहकारी बैंक से लोग दूर भागते थे उसमें सबका कारोबार फिर से शुरू होगा। माननीय सहकारिता राज्य मंत्री का स्वागत करते हैं, हम आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और श्री राधेश्याम सिंह जी के नेतृत्व में हम लोगों ने खूब काम किया। पार्टी के लोग तो पहले रुचि नहीं ले रहे थे, लेकिन ऐसा रगड़ किया गया कि धीरे धीरे हमारे कार्यकर्ता और सिर्फ जन इसमें रुचि लेने लगे, जिसका परिणाम यह हुआ कि 186 में से 181 साधन सहकारी समितियों के चुनाव इस जिले में संपन्न कराए गए, जिसमें से 170 पर हमारे सभापति चुने गए। 32 ब्लॉक यूनियन जिसे सहकारी संघ किया कहा जाता है के चुनाव कराए गए, जिसमें 29 पर हमारे सभापति चुने गए। 4 क्रय विक्रय समितियों के चुनाव कराए गए, चारों हमारे सभापति चुने गए। और जिले की जो शीर्ष समितियां हैं जिन्हें केंद्रीय उपभोक्ता भंडार, जिला सहकारी फेडरेशन और जिला सहकारी बैंक कहा जाता है, यहां सभापति सहित पूरा संचालक मंडल भारतीय जनता पार्टी का गठित किया गया। मैं सहकारिता से बहुत दिनों से जुड़ा हूँ, लगभग 35 वर्षों से, और हमेशा पार्टी का ऐसा वर्कर रहा कि अकेले कहीं कहीं किसी शीर्ष संस्था में मैं संचालक होता रहता था। मित्रों, लेकिन जो जिलाध्यक्ष जी ने हमारे कहा कि बांस बल्ली लगाया जाता था, मुझे याद है कि इसी जिले में सन 2004 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और एक ही पार्टी के 6 मंत्री में तीन एक तरफ थे, तीन एक तरफ थे, और डॉक्टर हरिओम यहाँ पर जिलाधिकारी थे, उनके आवास पर हजारों लोगों को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा था। एक समय वह भी था और एक समय यह था कि पूजनीय महाराज जी के नेतृत्व में जिसकी इच्छा की, जिस कोऑपरेटर की इच्छा की कि हम डायरेक्टर का चुनाव लड़ेंगे, हम उप सभापति का चुनाव लड़ेंगे, हम फैक्स समितियों के अध्यक्ष का चुनाव लड़ेंगे, कहीं कोई रोक टोक नहीं था। ईमानदारी से चुनाव कराया गया और पहला मौका है इस गोरखपुर में कि इन प्रतिनिधियों को, इन पदाधिकारियों को बुला करके हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने आप लोगों का सम्मान किया। ऐसा कार्यक्रम कभी भी गोरखपुर जिले में नहीं हुआ था। मैं अपने तरफ से, गोरखपुर क्षेत्र की तरफ से भी और पूरे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री की तरफ से, पूरे उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आप सभी लोगों के चरणों में शीश झुका करके आप सभी लोगों का हम लोग हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करना चाहते हैं। क्योंकि सहकारिता का चुनाव हो रहा, जब हम लोगों की सरकार बनी और सरकार बनने के बाद जब इस विभाग की जिम्मेदारी मिली और योगी आदित्यनाथ जी महाराज जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो समाजवादी पार्टी के लोगों द्वारा जगह जगह पे चर्चाएं होना शुरू कि ठीक है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, कोऑपरेटिव सेक्टर में हम लोग दिखाएंगे। यह सही बात है कि भाई महान सिंह जी जो चर्चा कर रहे थे, इस कोऑपरेटिव सेक्टर में लंबे समय से दबदबा समाजवादी पार्टी के लोगों का रहा, और हम तो कह सकते हैं कि सहकारिता के क्षेत्र में विकास की अपार संभावना है। सहकारिता का क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है और इसमें काम करने की अपार संभावनाएं होती, और सहकारिता के माध्यम से गांव, गरीब, किसान, मजदूर आप सबको जोड़ करके आप सहकारिता के क्षेत्र में भी मजबूती प्रदान कर सकते हैं, और उसी के माध्यम से आप भारतीय जनता पार्टी को भी और ताकतवर बना सकते हैं। वह ताकत सहकारिता के क्षेत्र में है। हम कह सकते हैं कि आज सहकारिता में
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की काफी रुचि रही। और जो हमारा गुजरात हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया के, जब नरेंद्र भाई मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उस समय पूरी दुनिया के अंदर विकसित राज्यों की जब सर्वे रिपोर्ट आई थी उसमें दुनिया के 10 राज्यों को चुना गया था, उसमें 6वें-7वें नंबर पे आपके हिंदुस्तान के राज्य गुजरात का नाम था माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। और वह आने के पीछे या गुजरात को डेवलपमेंट के पीछे जो सबसे बड़ा कारण, क्यों जो आज हम लोगों के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रहे माननीय अमित शाह जी, वो सहकारिता मंत्री के रूप में भी गुजरात के अंदर उन्होंने काम किया और सहकारिता क्षेत्र में काम करने के माध्यम से आज राजनीति में इतनी बड़ी ऊंचाइयों को उन्होंने छुआ है। और गुजरात में जो विकसित गुजरात की जो चर्चा होती है उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर रहा है तो सहकारिता के क्षेत्र का रहा है। और इसलिए उत्तर प्रदेश के अंदर सहकारिता के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही कि जिन पदों पर समाजवादी पार्टी के लोगों का कब्जा रहा, सहकारिता के क्षेत्र को जो सेवा करने का माध्यम रहा है, उस समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने उस सेवा का माध्यम छोड़ करके वो भ्रष्टाचार का अड्डा बनाने का काम किया था, जिसका नतीजा रहा कि आपकी साधन सहकारी समितियां भी बंद हो गई थी। आपके बैंक में, चाहे वो भूमि विकास बैंक हो या जिला सहकारी बैंक हो, अगर आपके हमारे या किसी परिवार के व्यक्ति का अगर खाता रहा है तो समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने सहकारिता के क्षेत्र को इतना लूटने का काम किया। जो आज बाबू सिंह कुशवाहा जी आज जेल के भीतर हैं और सहकारिता की लूटने की देन है। जो आज सहकारिता में लग फेट संस्था थी और उन्होंने लूट मचाई थी और जिसकी वजह है कि आज वो जेल की सलाखों में, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है।